एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवान, यू आर प्रो। तो कल जैसे मैंने बताया था कि मैंने आज क्वालिटी चेंज करी है, तो थोड़ा सा फर्क आया होगा। तो कल मुझे बहुत ज़्यादा लाइटिंग लग रही थी, आज मैंने थोड़ी सी लाइटिंग कम कर दी है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, पर मैं वीडियोज बनाए जा रही हूँ तो आप लोग देखते भी जाओ। तो आज हम आए हैं किस पे रिएक्ट करने के लिए। मैंने देखो बीच में किया था जुदाइयां सॉन्ग पे रिएक्ट किया था, ठीक है, और उस पे था तनवीर इवान की आवाज़। यार इतनी प्यारी आवाज़, मैं मोस्टली सिंगर पे लौटती नहीं हूँ एकदम से, है ना। अब ऐसा कोई नहीं कि मैं कोई तोप हो रही हूँ कि लौटती नहीं, मतलब मेरे को एकदम से ऐसा लगता है यार इनके गाने सॉन्ग चूज़ करने चाहिए। वैसे मुझे बंगाली सॉन्ग के इतने सारे सजेशन आते हैं कि इनका ये भी सुनो, उनका वो भी सुनो, और इनके भी आए थे, पर मैंने कोई सजेशन देख के नहीं करा। मेरे को ऐसे ही मन करा कि यार तनवीर इवान के सॉन्ग डालो कि कौन से हैं इनके, ठीक है। तो इनके बांग्ला में जो सॉन्ग है वो आया है, और मुझे उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला भी मिल गया है। एक सॉन्ग मिला है, 2 साल पहले आया था वो। देख रहे हो मैं व्यूज की चिंता क्यों नहीं करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तो मैं वैसे ही वीडियोस कम बना रही हूँ, तो मुझे ट्रेंडिंग वीडियोस उठानी चाहिए, लोग बन भी जाए करके, थोड़ा सा लोगों को तक पहुंचे वो वीडियो। पर फिर भी मैं थोड़ा अपने मन की चीजें उठा देती हूँ, उनको सुनने का मन कर जाता है कभी कभी। तो लेकिन फिलहाल तनवीर इवान की जितनी मैंने तारीफ करी है वो अगली वीडियो में सुनूंगी। आज सुन रही हूँ कोक स्टूडियो बांग्ला का एक सॉन्ग, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने सुने नहीं है उनके, मैं हमेशा से सुनती आ रही हूँ। और एक गाना 2 हफ्ते पहले आया था, वो भी बहुत पीछे छूट गया है मेरे। मैं कब से बता तो नहीं हूँ, मैं इतनी चोर होती जा रही हूँ आलसी की, मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। पर आ जाओ चुपचाप से सुन लेते हैं उस गाने को। 6 मिनट का सॉन्ग है शायद, पर कोई नहीं, आज संडे है, अब मैं माइक लूंगी 8-10 दिन बाद। अब छोड़ो, ठीक है। तो मेरी आप सुन लेते हैं कोक स्टूडियो गाना, 6 मिनट का गाना आया है, संडे है तो थोड़ा सा पुश करते हैं। वैसे मैं नॉर्मली 3-4 मिनट के सॉन्ग सुनती हूँ, आज 6 मिनट का। चलो सुन रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे, खुद पे एहसान कर रहे हैं, मुझे पता गाने अच्छे होते हैं, ठीक है। आ जाओ तो चलो शुरू कर रहे हैं। गाने का नाम है दिल आराम है, मैं तो दिल आराम पढ़ रही हूँ, दिल आराम जो भी बोलते होंगे, दिल आराम बोलेंगे हम। और 6 मिनट का गाना है, 6 मिनट कहते कहते मैं कहती हूँ, लेकिन गानों में इतनी जल्दी खो जाती हूँ कि पगला जाती हूँ। तो आ जाओ से फटाफट से शुरू कर रहे हैं। कोक स्टूडियो बैंगलोर, थोड़ी वॉइस तेज करो, एकता पांडे बिना वॉइस के मजा नहीं। शुरू। बहुत दिनों बाद हारमोनियम। धरो दिलाराम धरो, हसुन राजा रे वादा रायको दिलाराम धरो घरो हसुन राजा। एक चीज शुरू होने से पहले ही बोल देती हूँ कि जैसे वो को ना 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 कोथो कोयो ना, ये था ना कोथो कोयो ना में भी एक अलग से वो वाली आवाज होती है जिनकी फीमेल सिंगर की, और इनकी मेल जैसी होती है वैसी वाले टाइप की आवाज आई थी। और बीच में एक दो गाने और थे इनके जिनमें थोड़ा सा वेस्टर्न टच भी आया था, है ना। तो इसमें फिर से मुझे वैसी वाली वाइब आ रही है, कोथो कोयो ना में दोबारा से पहुंच गई हूँ। वो लेडीज जिनकी थोड़ी सी एक बेस होता है वो मैन वाली आवाज, जो भी बड़ोस में काम चल रहा है यार, अच्छी आवाज आई सुन लेना, थोड़ा वो मैस्कुलिन टाइप में आवाज आती है और बढ़िया सी लगती है। चलो दोरो दिलाराम दोरो दिलाराम आंजा खोईरा दोरो, दोरो दिलाराम दोरो दिलाराम आंजा खोईरा दोरो, सुना जाने बेरे दिलो कोरिया यादो, सुना जाने बेरे दिलो कोरिया यादो, दोरो दिलाराम दोरो दिलाराम दोरो, हसन राजा रे बंदा राइको दिलाराम तोर गोरो, दोरो दिलाराम दोरो दिलाराम दोरो दिलाराम दोरो, हसन राजा रे बंदा राइको दिलाराम तोर गोरो, हसन राजा रे बंदा राइको दिलाराम तोर गोरो। আমার
मिनट का गाना था और इतना समा बांधने वाला गाना था कि मतलब मेरे को होल्ड करके रखो और अपने प्यार से मुझे बांधे रखो क्योंकि मेरा प्लान है आज भागने का, एज माय प्लान टू एस्केप टुनाइट, ऐसे करके आ रहा था कुछ। हाँ तो मतलब सबटाइटल मैं पूरी तरह से पढ़ रही थी, पड़ोस में काम चल रहा है, थोड़ा सा खड़बड़ खड़बड़ की आवाज आ रही होगी आप लोगों को। गाना मतलब ऐसा बांधने वाला था कि वो खुद भी कह रहा था मेरे को बांधे रखो, मेरे को प्यार से बांधे रखो। और पता है मुझे पूरे गाने में सिर्फ एक चीज लग रही थी, अभी जैसे वो माइक पे गा रहे थे ना लेडीज, तो जैसे मैंने भी ना एक कंपटीशन में पार्ट लिया, सिंगिंग कंपटीशन में, ठीक है। मैंने कुछ महीने म्यूजिक सीख रही थी, मैं मतलब म्यूजिक सीख ही रही हूँ बट अभी तो बीच में मैंने छोड़ दिया एक दो महीने, बहुत आवाज आ रही। कंपटीशन में पार्ट किया था तो उसमें
जो मैं माइक के सामने गई हूँ ना भाई साहब, इतना अलग होता है ना माइक पे चीजें करना। आप पीठ पीछे कितना भी कर दो, मैं कुछ भी वक्त दूं मैं, लेकिन जब माइक पे जाती हूँ तब तुम्हें चीजें ना तुम्हारे सुर क्या लग रहे हैं सब समझ, तब समझ में आते। तो जब वो गा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था बाबर कितनी टफ चीजें हैं ये, और हम खाली देख देख के सोचते हैं कि यार हो तो जाता है ये, हो तो जाता है ये। ठीक है, तो लोग जब कहते हैं ना जज मत करो, मैं कह रही थी जजमेंट करने तो हम बैठे नहीं है, पर हमारा काम है कि किसने क्या अच्छा किया किसने क्या गलत किया। ये नहीं कहते कि जब हम करने जाएंगे तो हमारे लिए इजी होगा, नहीं होता यार, सीख के समझ के। तो चीज़ें इतनी टफ हैं कि तुम खाली देखते रह जाओगे, और लोग यहाँ पे कितना टाइम दे रहे हैं उन चीज़ों को ना। तो बहुत तगड़ा गाना गाया था, इंस्ट्रूमेंट बीच में, वो जो मैं बीच में तो मेरा ध्यान एकदम से उस पर गया, लास्ट लास्ट में वो जो ढोल ढोल पकड़ के जो हाथ में ऐसा ढोलक टाइप का बजा रहे ना, मोदक जैसी कहते हैं वो, बड़ी सी मोदक कह रही, मतलब क्या कहते हैं उसे, मोदक तो लड्डू हो गया यार, खाने की बात है मेरे दिमाग में, मतलब कुछ ऐसा करके जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है ढोलक ही जैसा है वो, थोड़ा सा लंबा होता है। तो बढ़िया गाना था, अच्छा गाना था, बट मेरा अभी ध्यान में सच बताऊँ मेरे इनको तो सुनी लिया मैंने, तनवीर ईवान के सॉन्ग पे बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो एक बार मैं जरा देख ही लेती हूँ रिकॉर्ड करके कैसा हो रहा है, पीछे हल्ला तो बहुत है। सोच रही हूँ कि कर ही दूरी है, तो अगर आप लोगों को मेरे साथ वीडियो देखना पसंद आता हो, कुछ भी अच्छा लगता हो, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन भी है, भूल जाती हूँ इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के ना, कर लो फॉलो, लाइक मार दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड टाटा।